संबोधित करें. नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल एड्रेस दिस ऑगस्ट गैदरिंग. टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार के सभी विजेताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ. श्री राजकुमार सिंहाजीत सिंह, श्री राम सुतार जी और छायानट का सम्मान कला का सम्मान है, संस्कृति का सम्मान है और ज्ञान का सम्मान है. संस्कृति किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है. इसी से राष्ट्र की पहचान और अस्तित्व को शक्ति मिलती है. किसी भी राष्ट्र का सम्मान और उसकी आयु भी संस्कृति की परिपक्वता और सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती से ही तय होती है. भारत के पास तो हजारों वर्ष का एक सांस्कृतिक विस्तार है जिसने गुलामी के लंबे कालखंड का, बाहरी आक्रमण का भी बिना प्रभावित हुए सामना किया है. यह अगर संभव हो पाया है तो उसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अनेक मनुष्यों का योगदान रहा है. भारत का सांस्कृतिक सामर्थ्य एक रंग बिरंगी माला जैसा है जिसको उसके अलग अलग मनकों के अलग अलग रंग शक्ति देते हैं. कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यही भारत को बहुरंगी और बहुआयामी बनाते हैं. भारत की इसी शक्ति को गुरुदेव ने समझा और रविंद्र संगीत में इस विविधता को समेटा. रविंद्र संगीत में पूरे भारत के रंग है और ये भाषा के बंधन से भी परे हैं. गुरुदेव लोक कला और पारंपरिक नृत्यों को देश की एक सांस्कृतिक का परिचय मानते थे. मणिपुरी नृत्य के शिक्षक नबा कुमार सिन्हा, इनसे वो कितना प्रभावित थे ये शांति निकेतन में जाकर पता चलता है. आज टैगोर सम्मान से सम्मानित श्री राजकुमार सिन्हाजीत सिंह जी इसी समृद्ध सांस्कृतिक का प्रतिनिधित्व करते हैं. राजकुमार जी मणिपुर नृत्य के प्रचार प्रसार के प्रति समर्पित रहे हैं. उन्होंने मणिपुरी नृत्य परंपरा के माध्यम से सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है. आशा है वे भविष्य में भी इस क्षेत्र में अपना योगदान देते रहेंगे. इस पुरस्कार के लिए मेरी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई है. साथियों, गुरुदेव हर सीमा से परे थे. वे प्रकृति और मानवता के प्रति समर्पित थे. गुरुदेव पूरे विश्व को अपना घर मानते थे तो दुनिया ने भी उन्हें उतना ही अपनापन दिया. आज भी अफगानी लोगों की जुबान पर काबुलीवाला की कहानी है. आज भी दुनिया के अनेक शहरों में उनके नाम से जुड़ी स्मृतियां हैं. अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उनके नाम पर चेयर है. 3.5 वर्ष पूर्व जब मैं तजिकिस्तान गया था तो मुझे वहां पर गुरुदेव की प्रतिमा का लोकार्पण करने का भी सौभाग्य मिला था. साथियों, ये भी बहुत कम ही होता है कि किसी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दो देश के प्रधानमंत्री शामिल हो. ये गुरुदेव के प्रति अपनत्व था, उनके प्रति श्रद्धा थी जो विश्व भारती के कॉन्वोकेशन में मेरे साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भी मौजूद थी. गुरुदेव की रचना आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश की पहचान है, वहाँ का राष्ट्रगीत है. भारत और बांग्लादेश की इसी साझी सांस्कृतिक विरासत को छायानट ने और मजबूत किया है. छायानट के मानवतावादी और सांस्कृतिक मूल्य गुरुदेव की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं. मैं उन्हें आज के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
साथियों, गुरुदेव की बात करते हुए मैं अक्सर गुजरात में बिताए उनके दिनों की भी चर्चा करता हूं। उनके भाई अहमदाबाद के कमिश्नर थे और अपने भाई के साथ रहते हुए उन्होंने कई कविताओं की रचना वहां की थी। गुरुदेव की रचना जनगण मन की जो भावना है, उसको एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सशक्त किया। मुझे खुशी है कि इन दोनों महानायकों को आज एक और कड़ी जोड़ रही है। श्री राम मंजी सुतार जी आज गुरुदेव और सरदार साहब के बीच के सेतु बने हैं। सुतार जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त करने में भारतीयों में गौरव का भाव और मजबूत करने वाले सुतार जी को मैं टैगोर पुरस्कार के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैंने उनके भाषण में सुना, आयु तो 93 को पार कर गई है, लेकिन उनके भाषण का मूल मंत्र यही था, अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। ये हर युवा को प्रेरणा देने वाली बात। साथियों, गुरुदेव का कृतित्व और उनका संदेश समय, काल और परिस्थिति से परे हैं। मानवता की रक्षा के प्रति उनके आग्रह को आज और मजबूत करने की आवश्यकता है। आज दुनिया में जिस तरह की चुनौतियां हैं, उसमें गुरुदेव को पढ़ा जाना, उनसे सीखा जाना और अधिक प्रासंगिक है। मैं गुरुदेव की पंक्तियों से अपनी बात को विराम दूंगा। गुरुदेव जी ने लिखा है, आई स्लेप्ट एंड ड्रीम दैट लाइफ वॉज जॉय, आई वर्क एंड सॉ दैट लाइफ वॉज सर्विस, आई एक्टेड एंड बिहोल्ड सर्विस वॉज जॉय। यानी मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है, मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है, मैंने सेवा की और पाया कि सेवा ही आनंद है। हम सभी सेवा का ये भाव यूं ही बनाए रखें, देश की संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए कार्य करते रहें। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रपति जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और इस प्रसंग को की शोभा अनेक गुना बढ़ाई है। भाई महेश शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उनके विभाग ने बहुत ही बखूबी इस एक अवार्ड के माध्यम से उन भावनाओं को जोड़ने का बखूबी प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।